जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करेंगे अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एज वेल एज एमएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इनका बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर, आपका फॉर्म कैसे भरना है और कितने सब्जेक्ट्स में आप बैक पेपर डाल सकते हैं बीएड और एमएड में। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को जानेंगे लाइव, यहाँ से हम करके देखते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट्स में बैक पेपर डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जाना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आने के बाद आपको आना है स्टूडेंट कॉर्नर, जो नीचे वहाँ पर होता है। स्टूडेंट कॉर्नर में आएंगे तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे वो लिंक दिया होगा जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे नीचे आप आएंगे, जहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉलेज फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, ये वाला कॉलेज फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कॉलेज फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे कि आपको कौन से, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको भरना क्या है, बीएड का भरना है, वो भी कौन सा बैक पेपर। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर लिखा गया है कि फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बैक पेपर ओनली और एंड एमएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बैक पेपर ओनली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप एमएड के लिए देंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड के लिए देंगे तो अंडर ग्रेजुएट। हमने अंडर ग्रेजुएट यूजी सेलेक्ट कर लिया, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कौन से ईयर का आपको बैक पेपर डालना है, पार्ट वन का हमें डालना है, पार्ट वन हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। और फिर हम यहाँ पे रोल नंबर भर लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा। इसमें दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो आपका कोर्स डिटेल्स हुआ होगा, कोर्स डिटेल्स, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज कोड का नाम क्या, ये दिया जाएगा। नीचे आपका स्टूडेंट डिटेल्स दिया जाएगा, इसमें आपका नाम, रोल नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल होंगी। आपका फोटो भी होगा, आपको इसके मैच करा लेना है। नीचे आएंगे तो आपको मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस दिया होगा, और नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे लिखा होगा कि आपने प्रीवियस इसमें कितने मार्क्स, तो मार्क्स डिटेल। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप यहाँ पर आएँगे स्टूडेंट टाइप में, तो स्टूडेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप स्टूडेंट टाइप में यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलेगा बैक पेपर। ठीक है, तो आप स्टूडेंट टाइप पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैक पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने बैक पेपर सेलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर प्रीवियस ईयर का डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिना इनरोलमेंट नंबर के तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी जहाँ पे इनरोलमेंट नंबर है वहाँ पे यूआईएन भी एडिट कराती है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना, यूआईएन यहाँ पे एडिट नहीं होगा, बस आपको यहाँ पे बैक पेपर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भर लेना है। ओके, नेक्स्ट आप आएंगे तो अगर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपडेटेड है, डिस्ट्रिक्ट अपडेटेड तो अपडेट कर लीजिएगा, नहीं अगर डिस्ट्रिक्ट अपडेटेड है तो ओके, अगर नहीं है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे नीचे ये वाला ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स पेपर डिटेल्स में आपको कितने सब्जेक्ट्स में बैक पेपर भरना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा होगा, नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप कितने सब्जेक्ट्स के बैक पेपर या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, मैंने नॉलेज एंड करिकुलम पर देना है, मैंने नॉलेज एंड करिकुलम पर क्लिक कर लिया। अब अगर आप एक और पेपर में देना चाहते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो आप देखिए कुछ इस प्रकार का आपको मैसेज आ गया। देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर राम, ये ऑटोमेटिक आता है, ओनली वन पेपर अलाउ इन ए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब आप बीएड के यहाँ पे केवल एक ही पेपर का ऑप्शन दे रहा है। चलिए मान लेते हैं एक मैंने नॉलेज एंड करिकुलम, दूसरा मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी में क्लिक करते, फिर से वही मैसेज आ गया, ओनली वन पेपर अलाउड इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। समझ में आ रही दोस्तों, केवल एक ही पेपर यहाँ पे देने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको फिर से कट कर देते हैं। चलिए हो सकता है कि ये ना हम एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर हम मैथ सेलेक्ट करें, चलिए फिजिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया, फिर मैथ करें तो फिर से वही मैसेज आ गया, ओनली वन पेपर अलाउड इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। कह रहे हैं मतलब बीएड का जो ये आपका सब्जेक्ट्स है, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे पा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे बैक पेपर का ऑप्शंस आ रहा है। तो चलिए मान लेते हैं हमको देना है कि इसका मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स आफ्टर सबमिट, यू कैनॉट चेंज योर सब्जेक्ट पेपर। समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको किस सब्जेक्ट्स का देना है, मेक श्योर हो जाइएगा कि आप जिस सब्जेक्ट्स का देना चाहते हैं आपने वही सेलेक्ट किया कि नहीं किया। जैसे कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस ही सेलेक्ट किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ दोस्तों,
करने के बाद कुछ ये आ जा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है एग्जामिनेशन फीस पेमेंट हैज़ बीन क्लोज, मतलब यहाँ से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ से आ जाएंगे, एग्जामिनेशन फीस हम यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम करिएगा कि आपका जो रेफरेंस नंबर है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या फिर हो सके तो आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। ये जो आपका रेफरेंस नंबर है इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, ये आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में हमेशा अक्सर ऐसा होता है जिस दिन फॉर्म भरा जाता है उस दिन ये इश्यूज आती हैं, तो आप आज रुक जाइए, ठीक है। अभी इसमें क्या कह रहा है कि अब जिसका मैंने फॉर्म भरा है अब उसको 24 घंटे तक वेट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि इफ़ द स्टूडेंट हैज़ पेड हिज एग्जामिनेशन फीस एंड योर ट्रांजेक्शन इज नॉट अपडेटेड इट सो इन द पोर्टल दैन दोज स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप अभी रुक जाइए, आप अभी फॉर्म मत भरिए। आप तब तक एक काम कर सकते हैं, आप एक बार अपना इनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिए, और नहीं तो प्लीज़ अगर आपकी यूनिवर्सिटी से किसी से बात हो तो उनसे पूछिए कि क्या हम इनरोल की जगह आप UIN भर सकते हैं। वैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसे आगे की प्रोसेस ओपन होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरिए, प्लीज़ वेट कर लीजिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, छोटी छोटी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।